सरकार की सारी योजनाओं से वंचित नरोत्तमपुर गांव के ग्रामीण। ताजा मामला जनपद बहराइच के प्रकाशखंड सुपुर के ग्राम पंचायत नरोत्तमपुर का है, जहां पर भारत सरकार की सारी योजनाओं का किस तरह से लाभ उठाते ग्रामीण। जबकि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां का तो कार्य ही कुछ निराला है। गांव के प्रधान व ब्लॉक के वीडियो ने मिलकर जनता को त्रस्त कर दिया है। नरोत्तमपुर के ग्रामीण परेशान है। नरोत्तमपुर प्रधान व सिपुर ब्लॉक के वीडियो का सिर्फ एक ही कार्य है कि अपना ही विकास। तो जब अपने विकास में लगे तो सिपुर ब्लॉक के अधिकारी व नरोत्तमपुर गांव के प्रधान को कहां से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के वादे होंगे पूरे। स्वच्छ भारत अभियान को छोड़ो, यहां पर पूरे गांव को ही खंडर में तब्दील कर दिया। ग्राम प्रधान व सिपुर ब्लॉक के वीडियो ने सवाल जब उठाया कि आखिर नरोत्तमपुर प्रधान व सिपुर ब्लॉक के वीडियो किसके संपर्क कर रहे हैं इस तरीके के साथ। अब देखना होगा कि बहराइच के जिलाधिकारी की तरफ से ग्राम प्रधान व सिपुर ब्लॉक के वीडियो पर क्या कार्रवाई होती है। रिपोर्ट पंकज सिंह, बहराइच, यूपी। जहरूला जहरूला, गांव कौन सा है आपका? नरोत्तमपुर। नरोत्तमपुर, क्या समस्या है आप लोगों की? सर न खेतवा है मेरे, न घर कुरिया है, न कॉलोनी है, न कुछ, न शौचालय है। ये जो खंडहर में तब्दील है मकान, हाँ, ये किसका है? ये हमारे है। कितने वर्षों से आप इसमें रह रही हैं? बहुत वर्ष हो गई रहा। आवास शौचालय कुछ मिला आपको? हाँ। क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान प्रधान कुछ देखते ही नहीं है तो क्या कही। आप जब कहती हैं उनसे तो क्या कहते हैं? कहा था गम खाया रहो, गम खाया रहो। कितने वर्षों से प्रधान है? हाँ, 20 साल से। 20 वर्षों से है? हाँ। 20 वर्षों से सिर्फ आपको। क्या नाम है आपका? हमारे भैया कलवती नाम है और नरोत्तमपुर गांव आए। क्या समस्या है? हमारे भैया घर नहीं है और राजेंद्र कॉलोनी नहीं देते हैं। और ये घर में चार चार छा कॉलोनी है, मौरियन महल का बभनन माँ जे जी के बना हुआ दिए हैं, जी के नहीं बना हुआ भैया नहीं दिए। इस घर में आप लगभग कितने वर्षों? 50 साल होगी भैया। 50 वर्षों से आप रह रहे हैं। ऐसे गुजारा हम करी थे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3। पति क्या करते हैं? अच्छा, वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। किसी से कहा नहीं? राजेंद्र से कहा तो राजेंद्र को सुन रहे हैं आलू।